वेलकम टू कोमल की रसोई। कैसे हो आप सब? आज हम बनाने वाले हैं, सब मिलकर बनाएंगे मोमोज। ये तिब्बत की फेमस डिश है जो कि दिल्ली में आके दिल्ली के रंग में रंग गई है। अब हम इसको पनीर के और प्याज के, सोयाबीन के, मिक्स वेज के, गोभी के, किसी भी चीज़ के बना सकते हैं। तो चलिए आज हम सोयाबीन के मोमोज बनाते हैं। मोमो या मोमो आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 कप सोयाबीन लिया है। इसको 4 से 5 घंटे मैंने सोख करके रख लिया था। अब ये अच्छे से फूल चुके हैं, अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया है। पानी को निचोड़ते हुए हम मिक्सर ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप ग्राइंड करना भूल गए हो तो इनको तुरंत ही एक गर्म पानी में डालिए और इनको 5 मिनट ढक के रख दीजिए और ये अच्छे से फूल जाएंगे। और पानी ठंडा होने के बाद इनको निकाल लेना और ऐसे निचोड़ के और इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना। और ग्राइंड हमने थोड़ा सा खोल के फिर इसको नीचे चला के और फिर इसको दोबारा से बंद करके फिर इसको चलाया है। ऐसे करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल लिया है। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ और मेरे घर में 12 महीने सरसों का तेल खाते हैं। 1 पिंच हींग की डाली है। इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था कद्दूकस में, और मैंने इसको यहाँ पर भून लिया है। भूनने के बाद अब हम इसमें अपनी सोयाबीन डालेंगे, जो सोयाबीन हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी। थोड़े से मसाले डालने वाले हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और 1 चम्मच चाट मसाला। इन सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से डाल दिया है। आपको ऊपर दिखा भी दिया है मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं और मैंने बोल के भी बता दिया है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारी ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है, जो अंदर की फीलिंग है। अब हम आटा लगाएंगे यानी कि डो रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं पसंद हो कोई बात नहीं। वैसे नमक डालोगे तो अच्छे से स्वाद आ जाएगा। और तेल डाल दिया है मैंने, सरसों का तेल ही यूज़ करा है मोयन के लिए। अंदर अगर हम आटे के तेल डालेंगे और तो वो ना अच्छे से सिक जाएगा, करारा कुरकुरा बनेगा। और इस तरह से हमें मिक्स करना है दोनों हथेली की मदद से, और ऐसे बांध के देखेंगे तो लड्डू बंधना चाहिए। पानी आप जैसे आपको ज़रूरत हो वैसा इसके अंदर डालिए। अब हमने सॉफ्ट डो बना के यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसको अब हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट के बाद हम आटे को थोड़ा सा गूथेंगे हाथों की मदद से, हथेली की मदद से, उंगलियों की मदद से। इसको उठा के पटकते हुए अच्छे से इसको चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद अब देखिए मेरा डो कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसी डो को मैं एक बॉल्स में कट कर लूँगी, तोड़ लूँगी। छोटी छोटी बॉल्स हमें बना के यहाँ पे रेडी करनी है। इतना मैं बॉल्स रेडी कर रही हूँ, इतना आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा। छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है और लोइयाँ बनाते बनाते वो जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। सारी लोइयाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। और तो इस तरीके से हमें एक एक लोई उठाना है और उसको बेल लेना है। सारे मोमोज एक ही शेप के बने उसके लिए एक ही कटोरी का नाप ले लेंगे। कटोरी से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी गोल, एकदम छोटी सी हमारी मोमोज के लिए जो रोटी है हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने फीलिंग यहाँ पे बनाई थी उसको भर देंगे। सोयाबीन है, अच्छे से भरी जा सकती है, जैसे आपको पसंद हो वैसे बना लीजिए। यहाँ पे मैंने वेजीज़ का यूज़ नहीं करा है, ना ही लहसुन प्याज का यूज़ करा है। बिना मैंने आपको लहसुन प्याज के बना के दिखाया है। ऐसे प्लेटें डालते हुए आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ आपको। ऐसे धीरे धीरे प्लेटों को डालते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर मोड़ देना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर मोड़ देना है। इसी तरह से हमारी ये जो पोटली है सोयाबीन की पोटली बनके रेडी हो जाएगी। आप इसको सोयाबीन की पोटली बोल दीजिए, सोयाबीन के मोमोज बोल दीजिए, सोयाबीन की कचौड़ी बोल दीजिए, क्योंकि देखने में ये थोड़ी कचौड़ी टाइप लग रही थी। ऊपर से मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया है। बंद करने के बाद और
थोड़ा सा बाहर लग गया था तो मैंने उसको हटा दिया। मैं ये देख रही थी कि ये फटा तो नहीं है, लेकिन फटा नहीं था, वो बाहर ही लगा हुआ था। और जो हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, और ऊपर से वो आटा तोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा हमें तोड़ना नहीं है, इसके अंदर इसको दबा देना है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा सोयाबीन लगी हुई है, फटा नहीं है, उसको मैंने हटा दिया था, थोड़ा नहीं हटा था, चिपक गया था। इस तरह से हमें छोटी छोटी पोटली बना के रेडी कर लेनी है। ऐसी हमें दूसरी रोटी लेनी है। कटोरी से मैंने काट लिया है, कटोरी से काटने के बाद इसके अंदर फिलिंग भर दूंगी। फिलिंग को फिर से हमें, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके सामने, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको फिर मोड़ देना है, फिर से फोल्ड कर देना है, फिर से प्रेस कर देना है। इसी तरह से हमें अपनी ये पूरी की पूरी पोटली सोयाबीन की बंद कर देनी है। इसको अच्छे से प्रेस करते हुए, गोल घुमाते हुए हमारी पोटली रेडी हो चुकी है। इतनी सुंदर बनी है ना कि ना मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इसको ना खाने का, भी मन कर रहा था सजा लूँ बस इसको, इतना सुंदर लग रहा था इसको देखने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी जो पोटलियाँ हैं अपनी रेडी कर ली हैं, आपको भी इसी तरह से रेडी करनी है। नेपाल में भी बहुत ही फेमस है ये, लेकिन अब दिल्ली में आके दिल्ली के रंग में रंग गई है, इसलिए इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जो मन करे वो बोल दीजिए। मैंने भिगोने में नीचे पानी रख दिया है, ऊपर छलनी रख दी है। छलनी के ऊपर इनके अंदर पहले से ही बहुत सारा घी है। 5 मिनट इसको, सॉरी 5 नहीं 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख दिया है, तो कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये साइज़ में डबल हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ना आगे पीछे वीडियो को करके देख सकते हो। सारी मैंने यहाँ पे 10 मिनट बाद मेरी जो मोमोज़ है रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे भी खाने में अच्छे लगेंगे, क्योंकि आटे के अंदर भी हमने नमक डाला है और मोइन भी है, और ये हमारी अच्छे से बन के रेडी भी हो चुके हैं, एक तरह से सेट हो चुके हैं। ये इतना सा भी इधर से उधर नहीं हिले हैं। आप इनको हरी चटनी, लाल चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी खाने में ये अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर आपको मेरी ये मोमोज़ की वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं खा रही हूँ मैं, इसको मैंने फ्राई किया है, तो मैंने ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए, और हमें कामचोर तेल चाहिए, काम करता हुआ तेल नहीं चाहिए, सोता हुआ तेल चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे तेल चाहिए, जैसे रसगुल्लों का होता है ना, वो सॉरी गुलाब जामुन का होता है, इसी तरह से हमें यहाँ पे ऑयल चाहिए। और इसके अंदर हम अपना एक एक मोमोज डालेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कि साइज़ में ये डबल हो चुके थे, स्टीम कर दिया था हमने इनको, लेकिन अब यहाँ पे भी ये साइज़ में डबल होंगे, ये यहाँ पे भी फूलने वाले हैं। फूल के हमें इनको गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी बनाना है एकदम, जब तक ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी नहीं बनेंगे तब तक हमें इनको उलटते पलटते हुए सेकना है। देखिए यहाँ से हल्के हल्के सिक चुके हैं, मैंने इनको सबको पलटा दे दिया है। और ना कढ़ाई में आपको एक मोमोस कम डालना है, जिससे आपको पलटने में दिक्कत ना हो, आसानी से ये पलटे जाएं और ये आसानी से सिक भी जाएं। अगर आप पूरी कढ़ाई भर दोगे तो पलटने की जगह ही नहीं रहेगी, फिर आप पलटोगे कैसे। यहाँ पे मेरे देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं, इतने सुंदर इतने बढ़िया बने हैं कि ना मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि इनको खा जाऊँ। मेरा मन कर रहा था बस इनको ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही सजा के रख लूँ, इतने सुंदर बने थे ये। अगर आपके कोई काम कर रहे हो ना और मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने के बाद आपकी मेहनत रंग लाती है, आप सफल हो जाते हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो मेरा भी यही हाल था कि ना इनको लग ही नहीं रहा था कि मैं इनको खा जाऊँ, ऐसा लग रहा था बस सजा लूँ, इतने सुंदर लग रहे थे ये। और ये देखने में जो खस्ता होती है आलू की कचौड़ी होती है, हम आलू की कचौड़ी भी बना सकते हैं इसी तरीके से, वो वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी मैंने ये मोमो बनाए हैं सोयाबीन के, और मैं उसके बाद में आपके साथ में आलू के मोमोज भी शेयर करूँगी, मसालेदार मोमो। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो का वेट कीजिएगा कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ, क्योंकि फीलिंग थोड़ी अलग होने वाली है, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और दूसरा बैच भी हमें ऐसे ही यहाँ पे सेकना है, अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक उलटते पलटते हुए हमें इसको सेकना है। और एक मोमो की मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, आप इनको मोमो बोलिए, मोमोज बोलिए, जो चाहे वो बोलिए, खाने में तो ये लाजवाब है। टेस्ट इनका इतना है कि ना मेरे मुंह में देखिए बोलते बोलते ही पानी आ गया है, इतना ज़्यादा टेस्टी बने थे ये कि ये देख लीजिए कि ना मैंने निकल चलते फिरते ही 10-12 खा गई होंगी इनको,
इतने ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी, ठंडे होने के बाद भी ये क्रिस्पी ही रहे थे। और ये हमारे मोमोज जो हैं बनके रेडी हो चुके हैं, इतने टेस्टी। इनके लिए अब मैं क्या कहूँ, आप इनको बनाइए, खाइए, खिलाइए। आप इनको बनाओगे और बच्चों को खिलाओगे ना, तो वो पेट भर के खाना खा लेंगे, उसके बाद भी ये खाएंगे। बच्चों को इतने पसंद होते हैं, और मार्केट में तो बनते ही है लेकिन इतने हाइजीन नहीं होते हैं। घर में थोड़ा हम हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो ये घर में और भी अच्छे बनते हैं, और भी सेफ्टी से हम इनको बना सकते हैं। और देखिए कितने गर्म है कि ना, मेरे से तोड़े भी नहीं जा रहे, इतने गर्म है ये, इतने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं लेकिन आपको जो पहले वाला हमारा था घान, उसको मैं उनमें से एक को तो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इतने बढ़िया, इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी, जो अंदर की फीलिंग है वो भी ये देख लीजिए, हमारी सेट हो चुकी थी। इधर से उधर इतनी सी भी नहीं हुई थी कि देखो मैंने तोड़े हैं और जो फीलिंग है अंदर की वो नीचे गिर रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए कितने अच्छे से हमारी फीलिंग सेट हो चुकी है। और इसको आप लाल चटनी के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, जैसे मन करे वैसे खाइए, बनाइए, खिलाइए, और खाइए भी, इंजॉय भी कीजिए, साथ ही साथ घर वालों को, बच्चों को खुश रखिए। बाय, टाटा, सी यू सून फॉर नेक्स्ट वीडियो, और मेरे साथ बने रहिए।